और ये लड़का देख रहे हो कितना शर्मा रहा है। अरे राम वेल तो मौसम देखो क्या मस्त हो रखा है ना। टाइम अभी हो रहा है 6:15। पता है अभी आप लोगों को पता होगा मैंने 5-6 वीडियो पहले मैं थार के साथ ऑफ रोडिंग पे गया था तो वहाँ पे बहुत सारे कांटे थे। मतलब अगर आप लोगों ने वो वीडियो जाके नहीं चेक किया है ना तो एक बार चेकआउट करो आप। मैं सोनीपत जाके आ गया, इधर उधर घूम। अपने बाइक के अंदर अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है, जो उसका फ्रंट टायर है ना उसके अंदर, ये देखो रॉन्ग साइड, फिर क्या हवा निकल जाती है फ्रंट वाले टायर में से। और जब मैंने कल यहीं पे चेक करवाया था इसी शॉप पे, तब इसके अंदर निकले 2 या 3 पंचर। लग रहा था ना वो ये लग रहा था कि इसके अलॉय में बैठ ना हो, क्योंकि दो ही रीजन से हवा निकल सकती है टायर के अंदर, या तो आपकी बाइक का टायर पंचर हो या फिर अलॉय में बैंड हो। तो मेरे को डर लग रहा था कि कभी अलॉय में बैंड ना हो, क्योंकि मैं ऑफ रोडिंग पे ज़्यादा रहता हूँ कभी कभार। ये चीज़ तो हो गई क्लियर कि अलॉय में बैंड नहीं है, और मैंने किट लेके आऊँगा, क्योंकि बाहर जो मार्केट में जो पंचर लगाते हैं ये लगाते हैं 50 रुपीज़ का एक या दो से ज़्यादा पंचर हैं तो आपके 40 रुपये का पड़ जाता है। इससे बेटर आप 80 रुपये का किट लेके आओ और घर पे पंचर निकाल लो। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो गाइज, और इंस्टाग्राम पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे इंस्टाग्राम का हैंडल आ रहा होगा मेरा। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप नोटिफिकेशंस पे ऑल कर लेना, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। तो आज के वीडियो में क्या करने वाला है इस सिग्नल के बाद बताएंगे। कैसे चला रहे हैं बाइक यार इसकी हो सकता है ये इनके लिए तो नहीं, तो दूर नेक्स्ट लेवल। अभी पूछते हैं भैया से कैसे करके। भैया कैसे चला पा रहे हो आप, कैसे चला पा रहे हो, चल पा रही है? फिफ्थ शिफ्टर का मैं आप लोगों को प्योर साउंड सुनाने वाला हूँ कि अपडेट होने के बाद ना कितना फर्क आ गया, कितना इंगेज होने में टाइम लगता है। बेसिकली आप लोगों को ये कंपैरिजन वीडियो पता लग जाएगा। अब मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है, फ्लैश नहीं हुआ है, अपडेट हुआ है। जो एग्जिस्टिंग फाइल होती है उसे के अंदर कुछ अपडेट्स डाले जाते हैं, लाइक फर्मवेयर अपडेट काइंड ऑफ। पहले ना इसका पुराना वीडियो जाके देख के आओ, जो अपन ने बाइक लेते ही क्विक शिफ्टर टेस्ट का वीडियो बनाया था, फिर वापस मिलते हैं। कुछ नहीं आ रहा है तो लेट्स गो। समझ में आया कुछ? अभी आपको हम अब करंट सिचुएशन दिखाएंगे, हमारी बाइक का क्विक शिफ्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है। अभी लेके चलते हैं हम आपको हमारे ठिकाने पे। कई जगह इलाका होता है, हमारे राजस्थान में ठिकाना बोलता है, ठिकाना। नमस्ते अंकल। नमस्ते, कैसे अंकल, बढ़िया? क्या लग रहा है हमारा WGP? इसके करना है कर ले, इसके इश्क में जीले मर ले, इसके इश्क ना हो तो पड़े धूम मचा ले। अरे होता है क्या इश्क, होता है क्या, दीवानों से पूछ ले, ये मचालते हैं क्यों, हंस के चलते हैं क्यों, परवानों से पूछ ले। ओह बच्चे कहाँ से आ रहे हो आप? जब मैंने स्टार्टिंग में जब यूट्यूब चैनल चालू किया था ना तो मैं इस जगह पे आकर काफी सारे शूट किया करता था। और बाइक पहले फिर आपसे बात करते हैं। तो देखो क्या वेदर हो रखा है मस्त। तो अभी अपन एयरपोर्ट के पास में आ रखे हैं और आई होप अब ऑडियो थोड़ा क्लियर आ रहा होगा। लास्ट वीडियो में थोड़ी ऑडियो से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो आज मौसम कितना जबरदस्त हो गया है ना, और जैसे ऐसा मौसम हो जाए शूट करने का मन तो ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो आज मैं क्विक शिफ्टर दिखाने वाला नहीं हूं, आपको आवाज़ सुनाने वाला हूं कि उसमें कितने डिफरेंसेस आए हैं। आप लोगों ने पुराना वाला वीडियो देख लिया होगा, जब मैं अभी इंगेज होने में टाइम बिल्कुल नहीं रहा, स्मूथ हो चुका है। आई होप बस थोड़ा ट्रैफिक ना मिले, मैं मेरा ऑडियो कैप्चर करने की कोशिश करूंगा यहां पे लगा के, फिर देखते हैं कैसी आवाज़ आ रही है और आप लोगों को सुनाते हैं। तो अभी तक कोई आ गया, देखते हैं कौन है। कोई और था, गलत फहमी हो गई किसी की, बेचारी लड़कियों को गलत फहमी हो गई, उनका कोई दोस्त होगा वो मेरे जैसा लगता होगा। लड़का देख रहे हो कितना शर्मा रहा है। मैं अपना GoPro सेट कर दिया है और अभी मैं मेरा माइक भी लगाता हूँ यहाँ पे।
तो अभी यार शूट करते करते एक और गाड़ी आगे रुक गई, तो आई थिंक वो रिवर्स आ रहा है और कोई जानकार या कोई सब्सक्राइबर आई गेस। हाय कैसे हो सर, और मत बुरा करो यार, मेरे को लग ही रहा था कोई ना कोई था है, मचाएंगे अपना। और यहाँ पे अपने गोप्रो लगा दिया जिससे पीछे का फुटेज आता रहेगा। और बोलो दीवाने क्या हुआ, मस्त 10 रुपए दे सकते? क्यों पैसे मांग रहा? क्या करोगे 10 रुपए का? पैसे मैं चाहता तो दे देता इसको, लेकिन ये लोग शराब पीते हैं इसलिए मैंने पैसे दिए नहीं। तो देखो अभी ऑडियो रिकॉर्ड होना चालू हो चुका है, देखो जो मैं बोल रहा हूँ ना इसके अंदर ऊपर हो। तो अभी अपन क्या करने वाले हैं, एक या दो राउंड लगाएंगे, देखेंगे पहले अभी साउंड कैसा आ रहा है। और अभी मेरी बाइक जो चल चुकी है वो चल चुकी है 3500, तो साउंड थोड़ा पहले से डिफरेंट हो गया बाइक का। तो अभी एक दो यूनिक प्रोडक्ट और आने वाले हैं एक दो दिन के अंदर, वो भी आप लोगों के साथ मैं डिटेल शेयर करूंगा। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो और नोटिफिकेशन पे ऑल कर लेना। आजकल जयपुर में साइकिल का क्रेज काफ़ी बढ़ गया है। तो ये नॉर्मल साउंड है जब आपकी बाइक स्टार्ट रहती है। भाई क्या हो रहा है, लोग बिना हेलमेट कैसे उड़ रहे हैं, क्लियर हो जाएगा आवाज कैसी आ रही है। वो हो, वो हो। तो अभी अपन लेट्स गो, तो अब देखते हैं अभी मैं फर्स्ट गियर में, लेट्स गो। वो If you are able to see, आप लोग देख रहे हो कि मैं मेरा क्लच को ना प्रेस नहीं कर रहा हूँ। तो अभी तक तो देखो ऑडियो काफ़ी अच्छा था, अब आगे चलते हैं वापस। और ये देखो बिना हेलमेट, अभी अपन यहाँ पे लगा लेते हैं बाइक अपनी। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अपना क्विक शिफ्टर कितना स्मूथ हो चुका है। मैंने कोशिश करी कि आप लोगों को अच्छे से ऑडियो सुना पाऊँ, बस इतना ही कोशिश करी कि यार मैं थोड़ा अवॉइड करूँ ट्रैफिक वाली जगह को, इसलिए मैं एयरपोर्ट साइड में आया था। हाईवे रन भी ले लेंगे, उसके अंदर आप लोगों को क्विक शिफ्टर का पूरा प्योर ऑडियो सुनाऊंगा मैं कि कैसा। ऑल दो बड़ी बाइक जो होती हैं, जो अपने 4 सिलेंडर बाइक होती है जैसे 10R हो गई, इनके अंदर काफ़ी अच्छी आवाज़ आती है क्योंकि ऑलरेडी 4 सिलेंडर होती है, अच्छी खासी पावर होती है, हैवी इंजन होता है, तो इसीलिए उनकी आवाज़ ज़्यादा लाउड आती है। आप लोगों को ऑडियो में ये थोड़ा फील हो जाएगा कि वो आता है ना बम बम बम, वो वाली चीज हल्की सी आप लोगों को फील, हल्की सी आप लोग फील कर सकते हो। और ट्रस्ट मी गाइस, ऑफ रोड पे क्विक शिफ्टर का अलग ही फन है और वो मैंने फील किया है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो पता नहीं क्या करना है, इस वीडियो को लाइक तो कर ही देना और इंस्टाग्राम पे आप मेरे को यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। और एक दो चीज़ आने वाली है, आने वाले वीडियोस में आप लोगों को मैं बता दूंगा जब मैं इंस्टॉल करूंगा मेरी बाइक में। तो चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम बाय, राइड सेफ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना।